फोटो खींच खींच के मन नहीं भर रहा है भाई। क्या फेंक दिया ऊपर से, ये देखो भाई ऊपर से फेंक रहे हैं सब लोग लड्डू के ऊपर, महाराज के कपड़े डाले गए इसमें, कतई बाहुबली लग रहा है यार। Hey, what's up? Good afternoon, guys. Welcome back to another vlog. तो आज मैं करने वाला हूँ मतलब एडिटिंग, आज मैं चेकिंग करने वाला हूँ एडिटिंग की पीसी में, भैया का जो पीसी है लैपटॉप है। आज हम जाने वाले सिंध रिवर, तो उसका एक बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया मस्त तरीके से। तो अभी थोड़ी धूप पड़ रही है, 2:30 बजे है। ये अपना पीसी रेडी रखा है, तो इसको चार से हटाते हैं। ये देखो ये है शॉर्टकट, तो इससे वीडियो एडिटिंग करते हैं, खुल जा सिम सिम। सो गाइस फाइनली ये ओपन हो चुका है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ मेरे दिमाग में पल नहीं पड़ रहा है। फाइनली गाइस मैंने वीडियो एडिट तो कर लिया है, मुझे तो गाइस अभी तो फोन ही प्रेफर है, मैं फोन में ही कर सकता हूँ एडिटिंग विदाउट, मुझे इसके एडिटर में नहीं पढ़ना। अभी अगर इसमें पढ़ूंगा तो गाइस अभी मुझे इसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं फोन में अभी सीख गया हूँ, आधे घंटे में 10 मिनट की वीडियो को एड कर लेता हूँ, मतलब बहुत फास्टली हो जाऊँ, तो इसमें करने का कोई फायदा नहीं है, अपन अपने फोन से ही बनाएंगे मस्त। सो गाइस अभी उस बंदे के पास चलते हैं जिसके साथ हम आज राइड करने वाले हैं साइकिल से, मना कर रहा है गाइस। गाइस इसके 2-3 हजार सब्सक्राइब बढ़वाओ जल्दी से जल्दी। अरे वो छोड़ो गाइस, पहले तो ये मना कर रहा है गाइस आज सिंधरवर के पास जाने में, अब मैं अकेला कैसे जाऊंगा, कोई नहीं लेकिन जाएंगे जरूर, हम जाएंगे जरूर गाइस। फाइनली गाइस वो एग्री हो चुका है, तो शाम के टाइम चलेंगे, अब तो 2:30 बज रहा है, 4:30 या 4 बजे, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। पानी रख देते हैं बोतल में, जिससे क्या है मतलब शाम को जब जाएंगे ना तो धूप पड़ेगी उधर, तो ठंडा पानी अच्छा प्रेफर रहेगा। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं, अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, तो हम जा रहे हैं अभी साइकिल से, तो अभी 1 घंटे में गाइस पहुंच जाएंगे, तो हमारी 2 साइकिल्स रेडी है, तो बस अभी हम जाने वाले हैं, 1 घंटे पहुंच जाएंगे। पहला नंबर है आकाश का, जो आकाश जा रहा है हमारे साथ, और विवेक है, विवेक की बाइसाइकिल है, और ये है आकाश की साइकिल अभित योगेश। तो बस चलते हैं, चालू करते हैं अपनी जर्नी। तो गाइस कुछ शॉप से स्नैक्स ले लेते हैं खाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड करेंगे, भूख लगने लगेगी, तो कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो गाइस इसमें पानी तो भर लिया है, अब काफी सारे स्नैक्स ले लिए, उनको भर देते हैं बैग में। तो गाइस बैग फूल चुका है बिल्कुल, दबा देते हैं, और ये अपने सेंटा फ्रूट जिससे किसी को चक्कर ना आए, तो चलिए गाने को साथ साथ बजरंग बाबा गान गा रहे, जय श्री राम। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पर, तो गाइस यहाँ से हमारा 7-8 किलोमीटर का सफर और बाकी है, तो यहाँ से हमको केयरफुली चलना पड़ेगा, बिकॉज ये हाईवे है गाइस। बस्ती बनी हुई है ना आप देख रहे हैं, इधर पूरे में पानी भर गया था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सामने टपरी दिख रही है गौशाला का, ये पूरी डूब गई थी, और वो सामने प्लांट दिख रहा है वो भी डूब गया था, वाटर प्लांट है गाइस वो। सो गाइस एज यू कैन सी ये है गौशाला, कितनी सारी गौ माता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारी गौ माता है यहाँ पे। और फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रिवर पर, बहुत ही सुंदर नजारा, अभी ब्रिज के बीचों बीच जाएंगे तो वहां से और एपिक सीन दिखाएंगे आपको। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, और हमने साइकिल अपनी पार्क कर दी है, पार्किंग तो नहीं है, और काफी सारे लोग थक भी गए, योगेश ने पूरी साइकिल चलाई गाइस 10 किलोमीटर, विवेक ने पूरी साइकिल नॉन स्टॉप गाइस, हम मैं और आकाश तो पीछे बैठ के आए थे, तो काफी फन किया। काफी प्यारी नदी है, बहुत प्यारी नदी है गाइस, जब यहाँ पे बाढ़ आया था ना गाइस, तो पूरा जो आपको इस साथ दिख रहा है दूर दूर का सारा डूब गया था, और जो ये जो ब्रिज है गाइस ये भी साला पूरा का पूरा मतलब खराब हो गया था, ये ऐसी स्थिति में आ गया था कि इससे गाड़ी नहीं ना होकर उससे जाने लगी थी, बिकॉज गाइस ये थोड़ा कमजोर ब्रिज था उस समय, न्यू बना हुआ था, तो इसका कंस्ट्रक्शन काम पूरा मतलब तरीके से ठीक नहीं हो पाया था। गाइस हमें अभी बीचों बीच सिंधरवर गाइस बहुत बड़ी है, बस रोड पार करते हैं, चलो भाई गिरना पड़े, ओए बच गए गाइस बच गए नाइस। सो गाइस मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ इधर, तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नेचुरल फील आ रहा है कि मतलब कोई नेचुरल
जगह है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो पास में ही गाइस रेलवे ट्रैक है। अभी हम उस साइड के ब्रिज थे बट अब इस साइड के ब्रिज पे आ चुके हैं। ये ब्रिज थोड़ा संकरा है क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज है ना, थोड़ा ये संकरा है। और यहाँ से तो लग ही रहा है बहुत बेहतरीन। वो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको यहाँ पे आते हुए तो हम बहुत मजे कर रहे हैं। अच्छा सो फाइनली गाइस रिवर को क्रॉस तो कर लिया है। डबल बार क्रॉस कर लिया है, डबल बार। एक बार उधर से गए इधर और एक बार उधर से इधर आए। मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जो पोर्शन है गाइस ये वाला, इधर पानी भर गया था पूरे में। और ये है चितानंद महादेव मंदिर। हाँ, महादेव बाबा का मंदिर है तो काफी प्यारा है। तो इधर भी गाइस पूरा पानी से भर गया था। तो जब बाढ़ आया था तो बहुत बुरा हालत हो गया था इधर का, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत काफी प्यारा मंदिर है। तो पहले तो जूते चप्पल यहाँ पे उतारते हैं और साइकिल अपनी स्टैंड करते हैं यहीं पे। बाबा राम राम, राम राम, राम। बाबा राम राम। तो गाइस हमने हाथ पैर भी धो लिए हैं क्योंकि हम मंदिर में जाने वाले हैं। तो कुल्ला बुल्ला सब कर लिया है। फिर पीछे मंदिर है, झूठे मुंह तो जा नहीं सकते मंदिर में। वो हमने चुईंगम वगैरह भी खा लिया, इसने भी धो लिया। चला के बहुत बुरी हालत हुई है गाइस, तो हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते गाइस, रिलैक्स कर लेते थोड़ा। पी ले जल्दी जल्दी पी ले। हेलो टॉमी, टॉमी गाइस पता नहीं इसको तो क्या हो गया, बोतल खाने की कोशिश कर रहा है। इसको बिस्किट डालते हैं, हम लाए थे वो। टॉमी खा ले, खा ले, खा ले। सो गाइस अब टाइम आ चुका है नीचे चलने का, बिकॉज काफी टाइम स्पेंड कर लिया हमने मंदिर पे भी और दोस्तों के साथ भी। चलो भाई ये अभी फोटो खींच रहे हैं अभी भी, तो अभी नीचे चलते हैं। हमारी साइकिल्स वहाँ पे रखी है, हमने पार्क कर दी थी। तो बढ़िया सिनेमेटिक शॉट्स लेंगे वहाँ से, दो चार रील्स बनाएंगे और काफ़ी फन करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये अपने का इस फोटो खींचने में लगे, कल सुबह इंस्टा पर डाल देंगे और फिर मेरे से बोले भाई कमेंट कर, भाई कमेंट कर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। काफ़ी टाइम हो गया है फोटो खींचते खींचते, वीडियोज बनाते। वो वहाँ से मेरी वीडियो बनाया है, ये यहाँ से अपने फोटो वहाँ से खिंचा रहा है। ये हमारी साइकिल रखी है, वहाँ पे एक बाबा जी हैं जो गाइस यहाँ पे वो करते हैं, मतलब कुछ पकड़ते हैं मछली वगैरह। बाबा जाल बिछा रहे हो? जाल बिछा रहे गाइस बाबा जी, और थोड़ा पास चलते हैं। बाबा कितनी मछली पकड़ लेते हो? अच्छा 2-2.5 किलो मिल जाती है डेली की? अच्छा डेली गाइस मिल जाती है, बाबा जी बोल रहे हैं। तो गाइस बाबा जी बोल रहे हैं कि 1-1 किलो तक की मछलियां मिल जाती हैं यहाँ पे। सो गाइस मैं अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुका हूँ, यहीं पे आने का मेरा मन था। और विवेक तू बता कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइस इस पे क्लाइम करते हैं। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, बहुत गहरा है यहाँ से, इसकी जमीन भी नहीं दिख रही है गाइस। डबल सन देख लीजिए, काफी मस्त लग रहा है। और ट्रेन आ रही है गाइस एट राइट नाउ। तो गाइस मधुमक्खी के छत्ते देखिए कितने सारे लगे हुए ऊपर, एक ऊपर ये लगा हुआ है और उधर भी लगा हुआ है, मतलब पूरे लगे हुए हैं, उधर भी लगा हुआ है। काफी मजा आ रहा है गाइस यहाँ पे, ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से मैं घर पे चला जाऊं, बट घर पे तो जाना पड़ेगा। विवेक क्या काम कर रहा है? विवेक भाई ये मत कर, मछली पकड़ रहा है। मछली पकड़ रहा है गाइस, एक्सपीरियंस कर रहा है। घूम लिया है और इनका फोटो खींच खींच के मन नहीं भर रहा है। भाई क्या फेंक दिया ऊपर से? ये देखो भाई ऊपर से फेंक रहे हैं सब लोग। अंकल मत फेंको, नदी गंदी हो रही है। नीचे फेंक दिया गाइस, पता नहीं क्या फेंक रहे हैं सब लोग। लड्डू के ऊपर महाराज के कपड़े डाले हैं गाइस इसमें,
मतलब गाइस इतने मेहनत से भगवान जी कपड़े ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उनको संभाल कर रखना चाहिए, उनको रिसाइकल करके दोबारा बनाना चाहिए, बट लोग फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे जहां जहां जा रहे हैं वही वही आ रहा है हमारे साथ। आई थिंक अभी हम स्नैक्स लाए हैं, वो भी खिलाएंगे इसको, बहुत भूखा है। अभी बोतल खा रहा था गाइस, मैंने आपको दिखाया था। ओए मॉडल्स चलो फटाफट, ओए फटाफट चलो फटाफट गाइस, इनकी रील्स फोटोज बंद नहीं हो रहे। अब सुबह मैं बताऊंगा इंस्टा पे इतने डालेंगे, इंस्टा पे लग गए तेरे के इंस्टा पे साले, मतलब एक शकल उसको 10-10 बार डालोगे। जली ना तेरी भी जली ना। बैग क्या मतलब फेंको नदी में? हां ये बैग डला है, फेंको फेंको। ओ ये तो मेरा बैग। तो स्नैक्स खाना स्टार्ट करते हैं, भूख काफी लग रही है साले। और बंद कर ले भैया मेरे, बंद कर ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, खा ले। तो गाइस हम अपने पैसे से लाए थे, हम खा रहे हैं। इसको हमने कैमरा दे दिया, तो ये अपने पैसे से नहीं लाया था, उसने कैमरा पकड़ा दिया है और हम अपने पैसे से लाए थे, वो खा रहे हैं। ये हमारा मुंह देख रहा है, मुंह देख रहा है गाइस, जिसी के मैंने मुंह मत देख, कैमरे में हमारा फोटो देख। गजब बेइज्जती है। सो फाइनली गाइस हमने स्नैक्स खा लिए हैं, और ये हमारे स्नैक्स रखे हैं, और दो चार इधर फेंक दिए तो उनको उठाएंगे। विवेक ने फेंक दिए गाइस, मैं सब मतलब मारा चला, तो खा लिए, बस चलते हैं। साइकिल उठाते हैं वहां से, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं यार उसमें। सो गाइस जूते पहनते हैं अब, और यहाँ से फटाक से फुर निकलते हैं सब लोग अपना अपना हो लिए। तो आप गाइस आज के वीडियो के लिए इस वीडियो को 5-5 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो गाइस प्लीज 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। कुछ रहता नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ कि रिमेम्बर कर लो भाई, और कुछ रह गया हो तो वापस नहीं आएंगे फिर रहने के लिए। तो बस अभी तो मैं ड्राइव करने लगा हूँ, विवेक बोल रहा था भाई तू ड्राइव कर ले, थोड़ा थक गया गाइस वो। ओवरटेक करते हैं गाइस। अबे भैया ओए 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 बंद कर ले वीडियो, बंद कर ले वीडियो, बंद कर ले वीडियो, बंद कर ले। कितनी वीडियो बनाया गाइस जी। तो गाइस हम दोनों कर रहे हैं रेस भाई, बहुत स्पीड चला रहा है साइकिल भी, देख लियो गाइस। सो गाइस अभी चलते हैं घर पे, बिकॉज अब घर पे मिलेंगे, बहुत वीडियो का लेंथ भी लंबा हो गया है, तो घर पे मिलते हैं आप। अब सो फाइनली घर पे आ चुके हैं गाइस, और वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो थैंक यू विवेक चलने के लिए मेरे साथ में। तो अरे भाई क्या हो गया, तभी आकाश भी आ गया। आकाश भैया योगेश थैंक्स, हाँ भेज दूंगा आकाश, थैंक्स फॉर गोइंग टुगेदर। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे, बिकॉज काफी थक गया हूँ, जो थाईस है ना वो काफी दर्द कर रही है, साइकिल बहुत तेज भगाई थी, ओवरटेक किया था ना योगेश को, और काफी मजा आया गाइस। हमने इधर घूमा, नदी के पास में गए, नीचे गए, वो अंकल से स्टेटमेंट लिया, एक तरह से मतलब पिकनिक ही बना ली। और गाइस वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगा था, घर से 10 किलोमीटर गए, वो भी साइकिल से 10 किलोमीटर आए, बहुत थक गए थे। तो खाना वाना मैंने खा लिया है, और कपड़े भी चेंज कर लिए आप देख रहे होंगे, बिकॉज सबे सब में गया था मैं। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक कर देना, और जितना हो सके गाइस प्लीज शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ शेयर करने के, लेकिन प्लीज एक बार शेयर होकर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो जब तक के लिए बाय बाय।